बनने को एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, क्या वायनाड की जगह रायबरेली में राहुल का असर ज़्यादा होगा, अब तक नॉर्थ से ज़्यादा एक्टिव रहने वाली प्रियंका क्या साउथ में भी प्रभाव छोड़ पाएगी। राजधानी जयपुर से खबर, जहां फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की ओर से राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 13 से 15 सितंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को रामबाग पैलेस में स्टेक होल्डर मीट का आयोजन हुआ। इसमें FHTR और पर्यटन विभाग के बीच औपचारिक रूप से MOU किया गया। वहीं RDTM के प्रतिष्ठित स्टेक होल्डर्स ने प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य को मिलने वाले विविध लाभों पर प्रकाश डाला। इस वर्ष RDTM की थीम वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस आर इवेंट रखी गई है, जिसमें 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, 1300 से अधिक बायर्स और 7000 से ज़्यादा विजिटर्स के आने की संभावनाएँ जताई जा रही है। देखिए कि जो हमारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट है, उसका फोर्थ संस्करण सितंबर के महीने में होगा। RDTM एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो पूरे कंट्री के ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे जो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो इंचार्जेस हैं, हमारे यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे एक B2B मीटिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरह उभर करके आया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार है वो इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स का प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट नेशनल टूर ऑपरेटर्स के लिए है। आने वाले टाइम पे हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारी इतनी टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो जो रिपीट टूरिस्ट हैं उनको किस तरह के एक्सपीरियंसेस दें, तो हम लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे, रूरल टूरिज्म पे, एडवेंचर टूरिज्म पे हम फोकस कर रहे हैं। और जो थीम इस बार हमने रखी है, हमने वेड इन राजस्थान वाली थीम भी रखी है, क्योंकि राजस्थान एक नेचुरल चॉइस है किसी भी तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो जो टूर ऑपरेटर्स आ रहे हैं, उस काफ़ी इवेंट प्लानर्स भी आ रहे हैं, वो राजस्थान में अधिक से अधिक वेडिंग्स लेकर के आएंगे, तो नेचुरली एक टूरिज्म के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो हमने पहले MOU किया था वो अभी 2024 के लिए था। अब जो आने वाले ईयर्स में भी FHTR और राजस्थान टूरिज्म किस तरह से मिल करके इस प्लेटफॉर्म को और सशक्त करेंगे, उसके लिए MOU भी किया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो हमने नए प्रावधान जोड़े हैं, डिजिटल को भी हमने इंक्लूड किया है, तो उस तरह से टूरिज़्म की प्रचार प्रसार में तो डेफिनेटली सहायक होगा ही, लेकिन जो एक हमारा आउटरीच है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा इस MOU से। जो मोदी जी का विजन है वेड इन इंडिया, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और उस राजस्थान में जो अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं वेडिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान में बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं वेडिंग्स के लिए, और राजस्थान में अच्छी वेडिंग्स होने लगी और हर बजट की वेडिंग्स होने लगी है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर वेडिंग टूरिज़्म में इजाफा हो, लेजर टूरिज़्म में इजाफा हो, बिज़नेस टूरिज़्म में इजाफा हो, मेडिकल टूरिज़्म में इजाफा हो, हर प्रकार के टूरिज़्म में, और जो बॉर्डर टूरिज़्म है उसमें इजाफा हो। शूटिंग के लिए सरकार ने रियायतें दी है, तो शूटिंग टूरिज़्म भी जो है वो भी बढ़े, हर प्रकार से टूरिज़्म बढ़े, राजस्थान प्रगति करे, समृद्धि बढ़े यहाँ की, और यहाँ पे रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। उसके लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो छोटे डेस्टिनेशन है, जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, उनको भी तैयार किया जाए, ताकि टूरिज़्म चारों तरफ फैले और टूरिज़्म में अच्छा इजाफा हो। ये 13, 14, 15 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में होगा। इसके अंदर 200 होस्टेड बायर्स आएंगे और करीब 800 से 1000 नॉन होस्टेड बायर्स भी आएंगे, और करीब 250 के करीब एग्जीबिटर्स आएंगे, और राजस्थान के सारे होटेलियर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे हम बूथ देने लगे हैं, तो स्टॉल्स करीब करीब 80% तक बुक हो चुके हैं। और इस बार का जो RDTM है वो एक अलग ग्रुप का होगा, क्योंकि RDTM के बाद फिर हम RDTM को विदेशों में भी ले जाएंगे, और वहाँ पे जो राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं उनको हम प्रोत्साहित और प्रमोट करेंगे। ये हमारा चौथा RDTM है। इस बार जो ट्रैवल एजेंट आ रहे हैं वो लगभग 200 तो हमने होस्ट किया है, और 700 से 900 ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं जो कि पहली बार, जो कि
इनबाउंड का, विदेशी पर्यटकों का, और डोमेस्टिक इवेंट माइस मैरिजेस का जो सब काम कर रहे हैं उन सबको हमने इस बार बुलाया है। तो इस बार का जो RDTM है वो अन्य RDTM से बहुत भिन्न होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जिन्होंने स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे निवेश कर रखा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको यहाँ आके इस RDTM का लाभ उठाना चाहिए। राजस्थान पर्यटन विभाग और साइकिलिंग पार्टनर फॉर